नमस्कार, अब खबर धौलपुर से। धौलपुर जिले में विकास की संभावनाओं को तलाशने के लिए सोमवार को केंद्रीय जल एवं संसाधन मंत्री अर्जुन मेघवाल अपने एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर आए और जिला कलेक्ट्रेट में जिले के सभी अधिकारियों में योजनाओं की समीक्षा की और एक और कैसे बेहतर बनाएं इसे बारे में व्यापक चर्चा की। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों को सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे भारत में 115 जिले निकाले हैं जो अभी भी अविकसित हैं, या फिर यह कह लीजिए कि पिछड़े की श्रेणी में आते हैं। इन जिलों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना क्रियान्वित की है ताकि यह जिले विकसित एवं विकासशील हो सकें। मेघवाल ने कहा है कि देश में नोटबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ा, पिछले 4 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास हुआ है, पर कांग्रेस इसे विफल मान रही है। एक सवाल के जवाब में मेघवाल ने कहा है कि राजस्थान में अभी प्रदेश अध्यक्ष का नाम जारी नहीं हुआ है। जब उनसे यह पूछा गया कि अर्जुन मेघवाल भी इस दौड़ में शामिल है तो उन्होंने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का नाम पार्टी के बड़े नेता तय करते हैं, हम तो पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, पार्टी हाईकमान का जो आदेश होगा उसको हम मानेंगे। इसके कुछ समय बाद केंद्रीय जल संसाधन मंत्री अर्जुन मेघवाल दोपहर को ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। धौलपुर से चैंडी लाइव के लिए खेमराज मीणा की स्पेशल रिपोर्ट।